इस एक्टिविटी में हम बेसिकली ये देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के वोट कास्ट करने तक किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और किसके लिए ये बहुत स्मूथ हो सकता है। Who will come forward? स्टेप अप गेम खेलने के लिए कन्वीनर 6 स्टूडेंट्स को फ्लैश कार्ड्स के अनुसार किरदार देते हैं। वुमेन हु इज व्हीलचेयर बाउंड इन डेथ, 47 इयर्स ओल्ड, एजुकेटेड ग्रेजुएट, लिविंग विद सन एंड डॉटर इन लॉ। फिर एक सीधी रेखा खींचकर खेल शुरू करते हैं। ये लाइन है स्टार्ट कहां से, रजिस्ट्रेशन से लेकर के और एंड की लाइन उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचना है। अब हम इनसे एक एक सवाल पूछेंगे, अगर इनका जवाब हाँ में होगा देन दे विल टेक वन स्टेप फॉरवर्ड और अगर ना में होगा तो ये लोग एक स्टेप बैकवर्ड लेंगे और अगर इनको नहीं पता उस सवाल का जवाब तो ये वहीं पर ही रहेंगे। पहला सवाल है कि क्या आप में से किसी एक लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज में? व्हाट्स योर कैरेक्टर? मैम, वुमन इन द विलेज एरिया। यस, एन एजुकेटेड वुमन इन द विलेज इन ओडिशा, शी हैज टेकन द स्टेप बैक। इस तरह किरदार के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स खेल में आगे, कुछ पीछे और एक स्टूडेंट आखिर में मतदान केंद्र तक पहुंचता है। ओनली वन पर्सन कैन कम टू द फिनिश लाइन, देख रहे हैं आप, एक ही स्टूडेंट फिनिश लाइन तक पहुंच पाया, पोलिंग बूथ तक पहुंच पाया। तो क्या ऐसे फैक्टर्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जो ये लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए? बट एवरी वोट काउंट्स, क्या सबको पोलिंग बूथ पर पहुंचने का अधिकार है? तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो हम कुछ एक दो समस्याएं लेते हैं जिसकी वजह से बैक स्टेप हुआ या वो आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी कि क्या लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, तो पुअर लेडी फ्रॉम ओडिशा शी टुक द बैक स्टेप। तो इसका क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यस प्लीज टेल। यस, विलेज में कुछ लोग तो एजुकेटेड होंगे, सरपंच हो सकता है, कुछ और लोग हो सकते हैं जिनकी हेल्प से वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। इस तरह सभी किरदारों की समस्या का समाधान करके उन्हें फाइनल लाइन तक पहुंचाया जाता है।